नमस्कार इंडिया, आज फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आपकी रोशनी आज आपके लिए फिर से 3 BHK का फ्लोर लेके आई हूँ, जो गेटेड सोसाइटी के अंदर है, एफ ब्लॉक में है, मोहन गार्डन में है, और जो आज के टाइम में हॉटेस्ट टी बन चुका है नई दिल्ली के अंदर। अगर मैं बात करूँ रजौरी गार्डन, जनकपुरी, विकासपुरी, टकोर गार्डन, तिलक नगर, पटेल नगर, उसके बाद अगर मैं रिचर कॉलोनीज की बात करूं तो आता है आपका मोहन गार्डन, विच इज़ नियर टू द्वारका मेट्रो स्टेशन। अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूं तो यहां पे आपको मैं गैस पाइपलाइन दे रही हूं, मतलब सॉरी मैं नहीं दे रही, गवर्नमेंट दे रही है। रियली ट्रू, मैं नहीं दे रही, गवर्नमेंट दे रही है। सो अगर आपकी फैसिलिटीज़ की बात करूं तो यहां पे आपको गैस पाइपलाइन की फैसिलिटीज़ मिल रही है, इस बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट मिल रही है, कार पार्किंग मिल रही है, मेट्रो से सिर्फ और सिर्फ ओनली 400 मीटर्स की दूरी पे है, फ्रंट का फ्लोर है, इंडिपेंडेंट फ्लोर है, एक छत पे, एक फ्लोरिंग पे, मतलब जो हमारा एक मंजिल होता है, एक मंजिल पे एक ही फ्लोर है। ये जो फ्लोर है जहाँ मैं खड़ी हूँ, 3 फ्लोर सोल्ड हो चुके हैं, लास्ट ऑप्शन है, काफ़ी बेस्ट अच्छा ऑफर दूंगी। कॉस्ट ऑफ कोर्ट लास्ट में बताऊंगी, टेरेस के साथ आज शूट करूंगी और इसकी आप टेरेस भी देखिएगा, ये 4 विथ रूफ के साथ है, इतना अच्छा डिस्काउंट दूंगी, यू नेवर थिंक इन योर लाइफ। सो नाउ उससे पहले सारे रेट कॉस्ट की बातें हम बाद में करते हैं वीडियो एंड में, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना व्यू। We'll be right back.
सो ये है लिफ्ट एट द बैक ऑफ माई साइड. अब आप देखिए लिफ्ट. सो यू सो इट कि लिफ्ट मेरी कितनी अच्छी है, ग्लास की है. अफकोर्स ये बात है, मैं दिखाती हूँ स्टेयर्स एरिया. तो ये स्टेयर्स एरिया है, आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस है, कितना अच्छा स्पेस है. जो सामान आपका लिफ्ट में नहीं आ सकता वो आपका स्टेयर्स में आ सकता है. इसमें मैं आपको आयरन गेट लगा के दे रही हूँ, दिस इज़ आयरन गेट. अगर मैं बात करूँ वुडन डोर की तो मैं आपको वुडन दे रही हूँ, ये आपका डिज़ाइनर डोर है. सो अब ये है मेरी लॉबी, जो मैं यहाँ से अब लिविंग एरिया में जा रही हूँ. तो वॉल्स पर आप डिज़ाइन देखिए, मैंने इसमें आपको मिरर लगा के दिया है, साइड्स में मिरर्स हैं. तो कोई भी आपके घर में आएगा तो अगर आपका सोफ़ा उस तरफ बिछा हुआ है तो आप यहाँ बैठ के ईजिली किसी भी गेस्ट को देख सकते हो कि उस तरफ से कौन आ रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपने मूवीज़ में देखा होगा, काफ़ी ऐसी मूवीज़ होती हैं और ऐसे लाइव्स होते हैं जो जिन लोगों के बंगलाज होते हैं, तो बंगलाज में क्या करते हैं वो लोग एंट्री करने से पहले, मेरे काफ़ी क्लाइंट्स की डिमांड्स थी कि मैम कोई एक ऐसा फ्लोर दिखाओ, कोई एक ऐसा फ्लोर बनाओ जिसमें एंट्री करते ही मतलब लिविंग एरिया नहीं आना चाहिए. तो आई जस्ट थॉट की फिर मैंने अपने डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट की, तो मेरे डायरेक्टर्स ने कहा चलो लेट्स प्लान फॉर डैट वन. तो अब आपके सामने उसी टाइप का मैं फ्लोर लेके आई हूँ. और बहुत से ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनकी डिमांड थी, तो आज उनको वो डिमांड मैं पूरी कर चुकी हूँ. तो इसको देर मत कीजिएगा, इसीलिए मैंने सबसे पहले एंट्रेंस करते आपको लॉबी दिखाई है. अब हम चलते हैं, ये लिविंग एरिया है जहाँ मैं खड़ी हूँ. अगर मैं अपनी बैकिंग की बात करूँ तो ये मैंने वुडन से आपको डिज़ाइन दिया है. इसमें आप अपनी फ़ोटो, फैमिली, सीनरीज, वट एवर जो आप लगाना चाहते हैं, पूरा स्पेस मैंने आपको दिया है. ये पूरा इस तरीके से वुडन डिज़ाइन है. अब हम चलते हैं अपने फॉल सीलिंग डिज़ाइन में. तो देखिए फॉल सीलिंग डिज़ाइन, ये पूरा का पूरा फ्लोर मेरा क्रीमिश हाउस है. मैं इसको बोलती हूँ वाइट हाउस. सो वी कैन से वाइट हाउस और क्रीमिश. अगर मैं बात करूँ फ्लोरिंग की तो आप मेरी फ्लोरिंग देखिए. फ्लोरिंग मैंने टाइल्स से नहीं की, फ्लोरिंग मैंने ग्रेनाइट स्टोन से की है. अब हम चलते हैं अपना जो एरिया है जो वेंटिलेशन के लिए. तो ये मैंने वेंटिलेशन के लिए शाफ्टिंग एरिया दिया आपको. डोर ऑलरेडी है, ड्रॉअर बना के दे रही हूँ. ये है मेरी वॉल जहाँ पे आप अपना स्प्लिट एसी लगा सकते हैं. वायर फिटिंग दी है मैंने आपको. तो आप इस तरीके से एक सोफ़ा इधर कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इधर भी सोफ़ा कर सकते हो. तो आप आराम से यहाँ पे 8 सीटर्स का सोफ़ा इस लिविंग एरिया में लगा सकते हैं. तो एलईडी के लिए मैंने ये आपको वुडन प्लाईवुड से एलईडी पैनल लगा के दे रही हूँ. यहाँ पे आप अपना बहुत सुंदर एलईडी टीवी अच्छे साइज़ का जो आपके पास है वो लगा सकते हैं. ड्रॉर्स दे रही हूँ, बहुत रिक्वायरमेंट्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल आइटम्स कुछ भी आपने रखने, स्पीकर रखने हैं तो आप स्पीकर रख सकते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू मूव इट टू माय किचन. दिस इज़ माय किचन डिज़ाइन. ये जो मैंने आउटर में दिया है, यहाँ पे मैं आपको ग्लास लगा के दूंगी. ये अभी वुडन में है, यहाँ पे मैं आपको ग्लास फिटिंग करके दूंगी. काफ़ी इसमें काम है जो अभी थोड़ा सा पेंडिंग है. तो यहाँ आप कुछ भी एंटिंग सजाएंगे तो आपको बहुत ब्यूटीफुल किचन होगा. जो मैं अब आपको किचन दिखाने जा रही हूँ, इट्स अ टोटली मॉडलर किचन एंड इट्स माई ब्यूटीफुल टाइल्स. जो मैं आपको कप एंड प्लेट्स की टाइल्स के डिज़ाइन दे रही हूँ, कैमरा मैन इधर दिखाइए. चिमनी मैंने अभी नहीं लगा के दी, मैं आपको बाबा बोल रही हूँ. इसमें काफ़ी काम पेंडिंग्स है. अगर मैं डिज़ाइंस की बात करूँ तो ऊपर की तरफ वुडन में मैंने पूरा वुडन आपको दिया है, स्मॉल लाइट्स दी हैं. पहला ड्रॉर मेरा ये बनता है, चिमनी. सेकंड ड्रॉर मेरा ये है. थर्ड ड्रॉर की बात करूं तो आप देख सकते हैं, तीसरा, चौथा मेरा ये मैंने आरओ के लिए दिया आपको. आप देख सकते हैं आरओ या गीजर. यहाँ आप अपना माइक्रोवेव रख सकते हैं, होल मैं आपको करके दे रही हूँ. यहाँ भी आप अपना माइक्रोवेव रख सकते हैं. ये चैनल्स, सिलेंडर प्लेस अगर आप गैस पाइपलाइन नहीं लेते तो, ये आपका डस्टबिन हिडन प्लेस. सो आप देख सकते हैं इस रियली ए टोटली मॉडलर किचन. अगर मैं लाइट बंद करके दिखाऊं तो आपके किचन में कहीं से कहीं तक कोई अंधेरा नहीं है. सो ये सी की आराम से यहाँ पे 4-5 लेडीज़ खड़े होकर गॉसिप कर सकते हो. मोटर का भी बटन दिया मैं 16-8 का. ये आपकी मोटर चल गई और मोटर बंद हो गई. अब हम बात करते हैं टैप, इसमें मैंने अभी लगा के देने हैं क्योंकि मैंने अभी भी आपको बोला है, बाबा बोल रही हूँ. काफ़ी सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी पेंडिंग हैं. तो अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने चिल्ड्रन बेडरूम में, जो मैंने इस फ्लोर में दिया है. ये मेरी एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्रेंस करते हैं. आप चाहें तो आप बच्चे अपने रूम में सीधा डायरेक्टली जा सकते हैं. ये है मेरा चिल्ड्रन रूम. यहाँ पे जो मैंने दिया है, सबसे पहले मैं आपको फॉल सीलिंग दिखाना चाहती हूँ. इट्स अ लेटेस्ट डिज़ाइन ऑफ फॉल सीलिंग. अगर मैं बात करूँ डोर डिज़ाइंस की, दे ऑल आर सेम. डोर की डिज़ाइन दिखा दीजिए आप इनको. अब ये स्टडी टेबल है
जो मैंने आपको यहाँ पर स्टडी टेबल दिया है आप देख सकते हैं, इट्स अ चिल्ड्रेन रूम एंड टोटली परफेक्ट फॉर द चिल्ड्रेन। अगर आपके कोई बड़े बच्चे भी हैं तो भी, अगर आप सीनियर्स अगर स्टडिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत डिसेंट सा स्टडिंग रूम है। बुक्स के लिए भी मैंने आपको ये दिया है, यहाँ पर आप अपनी बुक्स सजा सकते हैं। आप देख सकते हैं वुडन से कितना ब्यूटीफुल डिसेंट लुक में मैंने दिया है। आप चाहें तो फ्लोरिंग बेडिंग यहाँ पर कर सकते हैं, ग्राउंड फ्लोरिंग बेडिंग। अगर आप मुझे कहोगे मैम आप डिज़ाइन करके दो तो आई कैन ऑल्सो गिव यू अ डिज़ाइन ऑफ द बेड। अब मैं चलती हूँ स्प्लिट एसी के लिए, मैंने आपको वायर्स दिए। यहाँ भी मैंने वुडन काम किया, ये मेरा फ्लोरिंग नहीं है, ये मेरा वुडन काम है। सो नाउ दिस इज़ अ ड्रॉअर, जो आप देख सकते हैं बैकिंग में कितना अच्छा लग रहा है, लाइट्स आ रही हैं। ये ड्रॉअर्स हैं, आप यहाँ पे कुछ भी अपने एंटीक सजा सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए तो नहीं कह सकती हाँ, लेकिन आपका सेकेंड रूम ये आपका हो सकता है, जो आपको उस तरफ मैंने एक विंडो दिया है। सो मे बी होप फॉर द बेस्ट कि जितने भी बच्चे इन वीडियो को देखेंगे तो दे रियली लव देयर चिल्ड्रन रूम। तो ये स्पेशली मैंने चिल्ड्रन रूम्स के लिए इसलिए दिया कि मैं जो भी फ्लोर बनाती हूँ वहाँ बड़े बुजुर्ग, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द ऑफ अस, हमारे लिए वो ज़िंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑफकोर्स ये बात है, बड़े बुजुर्ग ही हमारी ज़िंदगी की नींव होते हैं, तो बड़े बूढ़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे भी हमारी लाइफ में, बच्चों का भी मन होता है कि हमारा भी कुछ अपना पर्सनल हो, दे ऑलवेज वॉन्ट अ पर्सनल लाइफ। सो आई जस्ट थॉटेड कि मैं अब इस बार 3 BHK बनाऊँगी तो उसमें एक रूम बच्चों के लिए ज़रूर बनाऊँगी। सो नाउ मूव इट टू माई सेकेंड बेडरूम, जिसको मैं कहती हूँ एडल्ट रूम। उससे पहले मैं आपको कॉमन वॉशरूम दिखाना चाहती हूँ। तो ये है आपका कॉमन वॉशरूम, अभी शावर टैपिंग नहीं लगा, सारा काम पेंडिंग है फ्रेंड्स। एंड ये सच है कि अभी मैंने इसको इसलिए होल्ड पर डाला, जब आप इसको बुक करोगे तो मैं आपके कहने के अनुसार आपके डिज़ाइन पे टैपिंग्स करके देती हूँ। सो नाउ आई एम एंटरिंग टू माई एल्डर रूम। तो ये बड़ों का रूम है, तो मैं बात करूँ फॉल सीलिंग की तो आप देख सकते हैं, अब आप इसको अपने मदर एंड फादर को दीजिए या कपल्स अपने फ्लोर इस फ्लोर को, जो ये आपका रूम है, या तो कपल्स जो हैं वो अपना इसको बहुत खूबसूरत बेडरूम बना सकते हैं। तो बात करती हूँ LED पैनल की, तो मैंने यहाँ पे आपको LED पैनल दिया है। डिज़ाइन की बात करूँ तो आप स्मॉल से कुछ भी एंटिक सजा सकते हैं, ये आपका इतना यूज स्पेस का LED पैनल है। पावर पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं। अगर अब मैं बात करूँ ड्रेसिंग की, तो लेडीज़ के लिए आप गिवन द ड्रेसिंग स्पेस, आप देख सकते हैं मिरर ऑलरेडी है। तो ये टोटली एक बेडरूम, एक बात करूँ तो एल्डर्स के लिए है, चाहे वो मम्मा पापा दादी होगी तो भी शीशे पे खड़े होकर आराम से मेकअप कर लेगी, कैमरामैन हंसने की जरूरत नहीं है। बात सच है भाई, तुम्हारी भी तो दादी हो सकती है यार, आप खुद सोचो, सबके घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादी होती है वो भी कंघी शंघी करती है, तो उनका भी सपना होगा यार कि मेरे कमरे में ही सब कुछ हो, ड्रेसिंग हो और मैं सामने बैठ के अपना मेकअप करूँ। मेकअप नहीं कर सकती, कंघी तो कर ही सकती हूँ। सो नाउ अब हम चलते हैं अलमीरा की तरफ। तो ये है अलमीरा, इसे वेरी स्पेशियस अलमीरा, ड्रॉज मैं दोनों तरफ से दे रही हूँ। काम अभी काफ़ी कुछ इसमें पेंडिंग है, सेकेंड ड्रॉअर मेरा ये है। अगर मैं वेंटिलेशन की बात करूँ तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे विंडो आपको दी हुई है, ये विंडो आप देख सकते हैं, बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने एक स्मॉल बालकनी भी दी है, तो आप अपना विंडो एसी लगा सकते हैं यहाँ पे आराम से। तो ये स्मॉल सी बालकनी है जहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन रख के कपड़े धो सकते हैं। पावर पॉइंट मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, ये एंगलिंग के लिए। अब हम चलते हैं लास्ट मेस मास्टर बेडरूम, जो हम अपने सेम में कह सकती हूँ, वो भी बड़ों का ही होगा, या आप उसको गेस्ट बेडरूम कह सकते हैं। तो लेट्स मूव इट टू माई लास्ट मास्टर बेडरूम। तो नाउ फ्रेंड्स एंटर कर चुकी हूँ, दिस इज़ माई लास्ट बेडरूम डेट वी कॉल अ मास्टर बेडरूम विद अटैच वॉशरूम विद अटैच बालकनी। सो सबसे पहले मैं इसका फॉल सीलिंग का डिज़ाइन दिखाना चाहती हूँ आपको। अगर मैं बात करूँ आपके बेडिंग बैक की, तो ये आपका बेडिंग बैक डिज़ाइन है। अगर आप मुझे बेड्स बोलेंगे तो मैं आपको अपने डिज़ाइन, अपने चूज़ किए डिज़ाइंस आपको बेडिंग के लिए बनवा के दे सकती हूँ, बट डैट विल बी चार्जेबल। अब अगर मैं अलमीरा की बात करूँ तो आपको अलमीरा दे रही हूँ। अलमीरा के ड्रॉर्स देखिए आप, 1, 2, 3 एंड दिस इज़ अ स्पेस। अगर मैं सेकेंड अलमीरा की बात करूँ तो इसमें एक और अलमीरा है, शू रैकिंग के लिए मैंने नीचे दे रखा है। अगर मैं फिर से बात करूँ ड्रेसिंग की, तो मैंने एक और ड्रेसिंग यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके से आपको। अब इस तरीके से ड्रेसिंग में आप देख सकते हैं ऐसे आप अपना। सो दिस इज़ रियली अ टोटली परफेक्ट रूम फॉर द कपल्स। तो या तो आप इसको गेस्ट रूम दे दीजिए, या इसको आप अपना रूम दे दीजिए, या मम्मा पापा को दे दीजिए। मतलब मैंने बड़ों के लिए दो दो कमरे दिए हैं, दो कमरे दिए हैं, और बच्चों के लिए
मैंने एक कमरा दिया है. सो नाउ दिस इज़ अ 3 BHK ऑफ फ्लैट. सो नाउ आई एम गोइंग टू एंटर टू माई वॉशरूम. सो दिस इज़ माई ह्यूज लार्ज वॉशरूम, जहाँ पे अभी टैपिंग नहीं हुआ है, टैपिंग मैंने नहीं लगाया. सब कुछ थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है, बिकॉज आपकी बुकिंग के बाद आपकी चॉइस का पॉटिंग, आपकी चॉइस के टैप्स, आपकी चॉइस के शावर्स लगा के दूंगी. वेंटिलेशन के लिए मैंने ये विंडो दिया हुआ है, एग्जॉस्ट फैन आप लगा सकते हैं कहेंगे तो वो भी मैं आपको लगा के दे दूंगी. नाउ मूविंग टू माई बालकनी एरिया. उससे पहले मैं एलईडी पैनल आपको दिखा दूँ. ये आपका एलईडी पैनल है, इसमें मैं आपको एलईडी पैनल लगा के दे रही हूँ. यहाँ स्मॉल लाइट्स ऑलरेडी लगी हुई है, स्टार्ट कर रही हैं. तो ये है आपकी विंडो के लिए वेंटिलेशन. अब हम चलते हैं बालकनी में. दिस इज माई बालकनी एरिया. यू जस्ट सी, ग्लास की बालकनी है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बालकनी. दिस इज़ अ ग्लास बालकनी. आप देख सकते हैं काम चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा सामान फैला हुआ है फ्रेंड्स. सो यू डोंट थिंक कि पता नहीं कैसा है, थोड़ा बहुत काम चलता रहता है. दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर फ्लोर मेरा टोटली फिनिशिंग में हो, कि काफ़ी काम को मैं पेंडिंग छोड़ देती हूँ. क्योंकि क्या होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ को लेने जाते हैं तो आप लोग फिर भी बाद में कहते हो मैम ये चेंज करवा दो, मैम ये चेंज करवा दो. ज़रूरी नहीं है कि जो रोशनी मैम को पसंद हो वही आपको पसंद हो. दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ऑफ दैट. तो इसीलिए मैं अपने कुछ फ्लोर्स को पेंडिंग छोड़ देती हूँ. तो अब हम चलते हैं टेरेस पे, उसके बाद लास्ट में करेंगे 5 से 10. 5 मिनट भी बहुत लंबा बोल दिया, सिर्फ 3 सेकेंड की टॉक इस वीडियो को एंड करने से पहले. सो अब हम चल रहे हैं टेरेस पे. मैं टेरेस पे आ चुकी हूँ. आप देख सकते हैं कितनी अच्छी धूप लग रही है. सर्दी का टाइम है, अगर आप इस फ्लोर को लेते हो तो आपको टेरेस मिलती है. गर्मियों के टाइम में भी आप चाहें तो अपनी कोई भी पार्टीज़ या बहुत अच्छा मज़ा ले सकते हैं. सबसे पहले टेरेस पे मैं आपको फ्लोरिंग दिखाना चाहती हूँ. आप इसको देखिए कि मैंने इसको टाइल्स से फ्लोरिंग करा हुआ है. अगर मैं बात करूँ, ये 100 गज की पूरी छत है, तो ये है मेरा 50 गज आगे. पूरा फ्लोर 100 गज का है, तो आप देख सकते हैं प्लांट्स सजाए हुए हैं. जितने भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत प्लांटिंग से लव करते हैं, देख सकते हैं. इस बिल्डिंग में 3 फ्लोर्स ऑलरेडी सोल्ड हैं. तो अगर आप ग्रीनरी प्लांटिंग करते हैं तो बहुत अच्छी आपकी टेरेस लगती है. अगर मैं टैंक्स की बात करूँ तो टैंक्स ऊपर ऑलरेडी है. सो ये है टेरेस. सो होप फॉर द बेस्ट कि यू रियली लव द फ्लोर, लव द टेरेस. जब आपने इस टेरेस को देखा होगा तो ये है मेरी एक सबसे खूबसूरत टेरेस. जब हमें सर्दी में, अभी जैसे मौसम है उसके हिसाब से अगर हम चाहें तो ऊपर बैठ के मूंगफली एंड वट एवर वी वॉन्ट टू हैव इट तो हम आराम से खा सकते हैं. सन की रेजेस आप देख सकते हो बिल्कुल मेरे फेस पे आ रही है. तो अब हम चलते हैं नीचे और लास्ट कोर्ट के बारे में, इसका क्या डिस्काउंट है क्या है वो मैं नीचे जाके आपको बताती हूँ. थैंक यू. सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा रूफ और कैसा लगा मेरा फ्लोर? दिस इज़ रियली ट्रू, ये फ्लोर आपको बहुत पसंद आएगा. और जैसे ही आप मेरी वीडियो को देखेंगे, 6 बजे शाम 6 o'clock मेरी वीडियो चल जाती हैं. रोज़ मेरे फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स मुझे कॉल करते हैं, मैम ये कितने का है? तो फर्स्ट ऑफ द थिंग, जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच. बिकॉज ये चैनल सब्सक्राइब करना ही मेरा मैसेज है आप तक पहुँचाना, कि प्लीज़ जिसका जो बजट है या जो भी कोई पर्सन रेंट पर रह रहा है वो अपने घर बनाए और अपने सपने को साकार करें. एंड दिस इज रियली ट्रू. अपना सपना हमारा यही होता है कि अपना घर. हम पूरी साल पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं. ऑफकोर्स ये बात है, जो इंसान गांव से आता है, बिहार से आता है, यूपी से कहीं से भी आता है, वो दिल्ली शहर में रहने आता है. जब वो दिल्ली शहर में आके रहता है तो जब उसको 5,000 रुपये 10,000 रुपये किराया देना पड़ता है तो वो बहुत चुभता है. और वही पैसा जब वो अपने घर में देता है तो उसको ये पता है कि ज़मीन हमेशा पैसा देती है. मैं बात करूं अगर फ्लोर की, तो अगर आज मैं अगर रेंट पे रह रही हूं तो मैं भी ये सोचूंगी कि क्यों ना जो मैं रेंट उसको दे रही हूं, ये अगर मैं 10,000 रुपये अपने मकान में देती हूं तो कल मैं उसको बेचती हूं तो वो चीज़ मुझे पैसा देगी. और जहां मैं रेंट पे रह रही हूं वो मुझे पैसा नहीं देगा. वो सिर्फ मुझे इतना बोलेगा अपना सामान उठाओ एंड गेट लॉस्ट फ्रॉम माय होम. तो मेरा सिर्फ मैसेज देना यही है आपको कि प्लीज़ मेक योर होम एंड फुलफिल योर ड्रीम्स. एंड प्लीज़ जो आपकी फैमिली है उसके लिए बनाओ. अपनी फैमिली मतलब आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके माता पिता. जेंट्स इज़ द मेन पावर ऑफ द वर्ल्ड. भगवान ने जो एक आदमी को जो शक्ति दी है, जो ताकत दी है, जो अपना घर बना सकते हैं. तो हमारे घर की जो नींव होती है वो होती है जेंट्स. बिकॉज कहते हैं जेंट्स के पैरों, औरत के पैरों से धन आता है और औरत के पैरों से ही सब कुछ होता है.
तो औरत तो घर की लक्ष्मी होती ही होती है, दैट इज रियली ट्रू। और अगर मैं जेंट्स की बात करूं तो जेंट्स घर की एक ताकत होती है, चाहे वो घर के बड़े हो, चाहे पापा जी हो, चाहे दादाजी हो, चाहे अपने हस्बैंड हो, दे आर द पावर्स ऑफ आवर फैमिली एंड दिस इज रियली ट्रू। तो ये जितने भी पावर्स हैं, जितने भी मैन हैं, कैमरामैन भी शूट कर रहे हैं, वो भी एक किसी के बेटे हैं, तो मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि रेंट पे अपनी फैमिली को ना रखें, क्योंकि आदमी के ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की, अपनी माँ की, अपने पिता की, क्योंकि कल आने वाले टाइम में वो भी बुजुर्ग होता है। एंड मेरा मैसेज सिर्फ आपको इतना ही पहुँचाना है कि प्लीज मेक योर होम। अब हम बात करते हैं इसके कॉस्ट की, तो कहीं ना कहीं डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कॉस्ट 50 लाख रुपीज है। सरप्राइज हो गए ना, एंड दैट्स रियली ट्रू। इसका मैं डिस्काउंट करके आपको 50 लाख रुपए दे रही हूँ। इस फ्लोर की कॉस्टिंग 50 लाख नहीं है, मोर देन 70 to 80 lakhs है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लैंड है उसकी वैल्यू 1.5 लाख रुपए गज है। ये जो आपका फ्लोर है मोहन गार्डन एफ ब्लॉक में है, गेटेड सोसाइटी के अंदर है। कैमरामैन जब इस वीडियो को जब शूट मेरा शूट होने के बाद एंडिंग होगा तो आपको उसका आउटसाइडर का व्यू दिखाएंगे, आपको गेट्स दिखाएंगे, आप खुद इस सोसाइटी को देख के, इस बिल्डिंग को देख के बहुत खुश हो जाएंगे। एंड डेफिनेटली आप तुरंत रोशनी में आपको कॉल करोगे। बची बात डिस्काउंट की, तो ना मैं टीवी दे रही हूँ, ना मैं स्प्लिट एसी दे रही हूँ, ना मैं स्कूटी दे रही हूँ, मैं कुछ नहीं दे रही, क्योंकि मुझे लगता है कोविड के टाइम में हर पर्सन को पैसा बचाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फिर द्वारा कोविड आ रहा है, फिर मोदी सरकार, ये जितने भी हमारे अध्यक्ष जी हैं या वट एवर आई कैन से, तो ये लोग फिर कोविड लॉकडाउन करने के प्लानिंग में है। तो इस टाइम पे फिर ये हमें ज़िंदगी का एक नया सबक दे रहा है कि क्यों ना हम अपना घर बनाएं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस हम्बल रिक्वेस्ट, जितने भी लोग रेंट पे रह रहे हैं या जो लोग बड़े मकान लेने का प्लानिंग कर रहे हैं, इससे अच्छा ऑफर आपको कहीं नहीं मिल सकता, इससे अच्छा मौका आपको कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि आज के टाइम में पूरा रियल एस्टेट यही लगा हुआ है। हम लोग भी यही लगे, मेरे डायरेक्टर्स भी यही लगे कि जितने भी लोग रेंट पे रह रहे हैं वो लोग अपना घर बना सके। तो इस फ्लोर की अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं, 50 लाख इसका डिमांड है। बाकी ऑन टेबल जब आप मेरे पास बैठोगे, मैं इसमें आपको 2 लाख का डिस्काउंट दूंगी। बिकॉज जब मुझे ये पता लगा कि दोबारा से कोविड मेट्रो स्टक हो सकती हैं, हमारी मार्केट बंद हो सकती है, फिर दोबारा वही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, डिले मत करो, इस चीज़ को डिले मत करो। क्यों? क्योंकि अगर आप रेंट पे रह रहे हो, 20,000 पे रेंट भर रहे हो, तो इस मकान को अगर आप लोगे, तो इसमें अगर आपकी इंस्टॉलमेंट बनती है, तो ये चीज़ आपको पैसा देगी। And this is only the final thing I want to give you the message. Thank you all for your love. Roshni ma'am ko call karna 8594-333 mein mujhe call karo. 24 hours mera call phone open rehta hai. किसी भी टाइम आप मुझे कॉल करिए और अपने सपने को साकार कीजिए। अगर कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट के मूड में भी डालना चाहता है तो भी आप इस फ्लोर को लेके बुक कर सकते हो, और ये बहुत अच्छा आपका इन्वेस्टमेंट प्लान होगा अगर आप चाहते हैं तो। गेटेड सोसाइटी के अंदर है, मेट्रो से सिर्फ और सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर है, गैस पाइपलाइन है, सबसे बड़ी बात है कि स्टैंडर्ड इलाका है। सो डोंट मिस इट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, एक लाइक तो बनता है यार, इतना सा मैसेज पहुँचाती हूँ तो एक लाइक तो सीरियसली बनता है। एंड ऑफ कोर्स ये बात है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब मुझे अपने आप ही बिन बोले लाइक से देते हो, और मुझे लाइक की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई ओनली वॉन्ट टू गिव यू द मैसेज। तो मेरा जो मैसेज है उसको समझो, अपने सपने को साकार करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू माई डायरेक्टर्स, थैंक यू टू माई टीम, लव यू ऑलवेज।